सरकार उड़ाई अपनी जहाज, इतना घाटा लग गया एयर इंडिया को, वापस बेचना पड़ा। तो टाटा ने कहा वापस दे दो, कहा है जितने स्टाफ लोग थे पुराने पहले ही रिटायर हो जाइए। आज का सब कुछ जो है ना, आपको अगर कोई काम करवाना है ना, किसी करने वाला चीजें उसको तो आप लोग को याद करना पड़ेगा ना, हम आपको इतना समझाएंगे तो कहां से काम चलने वाला है। वायु परिवहन, कौन परिवहन? भारत में वायु परिवहन के जनक जेआरडी टाटा को कहा जाता है। वो खुद ही एक पायलट थे, वो खुद क्या थे? पायलट थे। उन्होंने ही भारत में चालू किया था एयर इंडिया। क्या चालू किया? एयर इंडिया। बाद में सरकार ने कहा कि इस जहाज को हम खरीद लेते हैं, आपकी कंपनी को आप छोड़ दीजिए। टाटा ने बहुत चिल्लाया कि भाई हमारा कहा, आप अपना दूसरा कंपनी खोल लीजिए, सरकारी एयरलाइंस हमारा का लिए। सरकार ने कहा ना नेशनलाइजेशन होगा, राष्ट्रीयकरण होगा, ये लो पैसा, जहाज का पैसा ले लो, कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले लो। कंपनी की वैल्यूएशन निकाली जाती है, कितनी वैल्यूएशन है कंपनी की, उस कंपनी के वैल्यूएशन निकालने के कई तरीके होते हैं। कुछ होता है एपीडा होता है, कुछ ग्रोथ रेट होता है, कुछ रन रेट होता है, इस हिसाब से निकाला जाता है। साल में आपने कितना प्रॉफिट किया उससे 10 गुना आपका वैल्यूएशन करके आपको सरकार पैसे दे देती है। सरकार ने दे दिया एयर इंडिया को, टाटा अपना पैसा लेके चुपचाप बैठ गए। और सरकार उड़ाई अपनी जहाज एयर इंडिया में। एयर इंडिया के पायलट लोग, जहाज एयर इंडिया की बहुत लेट होती थी, वहां में एयर होस्टेस लोग ज्वेलरी पहन के आती थी, ज्वेलरी यहाँ पे, अब उन्हें सिक्योरिटी वाला रोक देता था। जहाज टेक ऑफ के लिए रेडी है, एयर होस्टेस अभी ज्वेलरी उतार के अपना जांच हो रहा है। आया टाटा ने, इतना घाटा लग गया एयर इंडिया को, इतना घाटा कि वापस एयर इंडिया को बेचना पड़ा। तो टाटा ने कहा हमरे से खरीदा था, वापस दे दो हमको। वापस टाटा ने क्या करी एयर इंडिया को, अभी कोई ज्वेलरी नहीं पहन सकते, सबको अलाउ मना कर दिया। यहाँ पे सीधे आना है टाइम से आप लोग को। यहाँ पे पायलट लोगों को कहा है, जितने स्टाफ लोग थे पुराने, एक काम कीजिए, आप लोग घिस पीट गए हैं, आप लोग से हाथ जोड़ते हैं, आप लोग को हम पेंशन देंगे, लेकिन आप हम लोग को पहले ही रिटायर हो जाइए। कहा कि आप रहेंगे तो दिमाग की तरह खा जाएंगे, एक काम कीजिए, आपकी उम्र हो गई है 40-50 साल, 10 साल जिन उम्र बची हुई है नौकरी के लिए, ये लीजिए पैसा पेंशन, अभी ये चल जाइए, कम से कम 10 साल टेंशन तो नहीं देंगे, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, जो निकल यहाँ पे। क्योंकि जिस इंसान को कुर्सी तोड़ने की, आपको अगर कोई काम करवाना है ना किसी से, तो उसी से करवाइए जो बहुत बिजी रहता है ना, जिनको जिसको टाइम को टाइम नहीं, उसी को काम दीजिए, देखिए फट करके दे देगा आपको, क्योंकि उसके हैबिट में है वो चीज। और जो इंसान कुछ नहीं करता है ना, गलती से भी उसको कोनो काम मत दीजिएगा, नहीं करेगा वो, आदतें नहीं उसको। इसलिए टाटा ने कहा जा भैया वॉलेंट्री रिटायरमेंट लो जाओ, बहुत लोगों को निकाला टाटा ने। और अब टाटा क्या बन गया, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ी एयरलाइन, एक तरह से कहिए अभी इंडिया में सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर में इंडिगो है। कौन सा? इंडिगो। इंडिगो जो है, देखिए एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत घाटे का सौदा होता है, पूरी एयरलाइन में टोटल जो प्रॉफिट होता है ना 10%, सोचिए 10% का ही बिजनेस है एयरलाइंस का। रीजन, इतना ज्यादा जहाज तेल पी जाता है, फ्यूल पी जाता है, जिसका कोई हद नहीं। मतलब दिल्ली से पटना आएगा तो कम से कम 6,000 लीटर फूंक देगा, 6,000 लीटर, और अगर मौसम ठीक है तब, मौसम खराब है ना तो 6,000 से ज्यादा फूंक देगा। अच्छा, पटना एयरपोर्ट पे रनवे खाली नहीं है, बिजी है, तो घुमाएगा उसको, 3 चक्कर और मार, और फूंक दिया। कोहरा है तो कह देगा भोपाल चल जाओ, बचल कसल कसर ऊर्जा ले जाकर फूकवा दिया, फिर वापस ले आया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बहुत झमेला होता है उस सबको, समझ में। तो सारा एयरलाइंस का खर्चा उसके फ्यूल पे जाता है। एयरलाइन बिजनेस बहुत फायदे का बिजनेस नहीं है, टोटल बिजनेस मॉडल दुनिया की जितनी भी एयरलाइंस है उस सबका प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है, एवरेज 10%, किसी का 8 है, किसी का 6 है। अब सोचिए अरबों खरबों रुपया लगता है, करोड़ों रुपया लगते हैं जहाज के लिए, 200 करोड़ का एक इंजन मारता है, जजिया का इधर और 200 करोड़ का उधर, 400 करोड़ तो इंजन में लेके घूम रहा है, बाकी जजिया में रहता कौन चाहिए, पाइप है गोल, कुर्सी लगा ले, 3 गो एन 3 गो एन। मेन जहाज का सब कुछ जो है ना, उसका विंग्स है, विंग्स पे ही फ्यूल होते हैं, ये जो विंग्स होता है ना, इसी पे फ्यूल होता है, इसी पर स्पीड ब्रेक होता है, इसी पे फ्लैप्स होते हैं, इसी पे घुमाने बुड़ाने वाला होता है, सब कुछ इसी पे होता है, विंग्स पे ही, और इसी पे इंजन लटकल होता है, और पिछवा एक पोछिया निकल लाता है स्टेबिलाइजर, वो भी बहुत जरूरी होता है, दहीने बाएं घुमाता है, बाकी बीच वाला तो पाइप है, बैठने उठने का व्यवस्था, लाइट बत्ती है, इतने टहलने के लिए चाय कॉफी है, इतने कमांड कहाँ है, आगे है, बाकी जहाज का सब कुछ क्या है,
विंग्स है, यही है सब कुछ मेन चीज यहाँ पर। तो जहाज काफी खर्चीला है तो उसका बिजनेस, तो इंडिगो काफी प्रॉफिटेबल है क्योंकि इंडिगो ना पैसा वैसा ज्यादा नहीं चार्ज करती, एक मिनिमम फेयर चार्ज करती, खाना वाना आपको नहीं देगी, पहले से आपको बुक करना पड़ेगा। बाकी एयर इंडिया घुसते खाना देगी सबको, सबसे पहले खाना, एयर इंडिया खाना बहुत अच्छा होता है। इंडिया में जितने एयरलाइंस है उसमें एयर इंडिया खाना बहुत अच्छा देता हो, आप बुक किए, आप पैसा बहुत महंगा नहीं लेता है, टिकट में ही ले लेता है उसी में, अब बहुत ज्यादा महंगा नहीं है लेकिन खाना ठीक ठाक देता है। तो अभी इंडिया में सबसे बड़ी एयरलाइन कौन है? एयर इंडिया, नहीं नहीं इंडिगो, कौन सा है? इंडिगो, इंडिगो, इसकी सबसे ज्यादा फ्लाइट्स चलती है इंडिगो की। अभी टाटा इससे, टाटा सेकेंड नंबर पे जा रहा है क्योंकि टाटा ने बहुत दिमाग लगाया। टाटा के पास चार गो जहाज है, चार एयरलाइंस है, एयर इंडिया, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया और विस्तारा। विस्तारा इंडिया में सबसे ज्यादा अगर आपको सुविधा मिलेगा तो विस्तारा में मिलेगा। इंडिया में सबसे ज्यादा सुविधा किसमें मिलेगा? विस्तार। उसके सीट में भी बहुत गद्दा उदा जोड़ा रहता है, पूरा बढ़िया से हैवी एकदम विस्तार। आगे देखिएगा तो अगवा का 10 गो सीटवा थोड़ा सा, जैसे पूरे जहाज में ऐसे जो सीट रहेगी ना पूरे जहाज में, हर चीज का वीडियो देखेगा तुम लोग, तीन इधर और तीन इधर रहता है, तीन क्या रहता है, तीन इधर और तीन इधर रहता है, लेकिन आगे की सीट में दुइये को रहता है इसे,